शर्मा जी इमोशनल हो गए, आंसू आ गए आपको। चलो जी, भावुक ज्यादा हो गए, आंसू आ गए हैं। फैसला क्या लिया है? सर्वेश जी, भावुक तो होना स्वाभाविक है, क्योंकि मेरे जितने भी ये परिवार के सैकड़ों भाई एक कॉल पे इकट्ठे होकर के 36 बिरादरी के, वो सभी भावुक थे, तो मेरा भी भावुक होना स्वाभाविक था, क्योंकि उनको भी टिस थी, वो टिस मेरे को भी थी। लेकिन मैंने अभी भी मेरी स्पीच में भी बोला है, पहले भी आपने प्रोग्राम्स में देखा है कि मैं, मेरी कांग्रेस पार्टी और मेरे नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी और चौधरी उदयभान जी के प्रति बहुत लॉयल हूँ। मैं उनकी बात को कभी इग्नोर नहीं कर सकता। हाँ, मेरी जनता ने, मेरे पूरे 36 बिरादरी के परिवार ने मेरी इतनी लड़ाई लड़ी कि मैं शुरू से लेकर के आखिरी तक टिकट के अंदर भला कटेगी किसकी, किसकी कट गई भला सुमन शर्मा की, भला मिलेगी किसकी भला सुमन शर्मा को। तो ये परिवार की ताकत थी, मेरे 36 बिरादरी का जो परिवार खड़ा है उसी की ताकत थी, लेकिन भगवान को कुछ और मंजूर। नॉमिनेशन फाइल किया था तो क्या उसको वापस ले लेंगे आप? देखो, नॉमिनेशन का जो हमने फार्म भरा था, जिस दिन हमारे को टिकट नहीं मिली थी, यही परिवार हमारा इकट्ठा होकर के भावुक हो गया था। उन्होंने मेरे को कहा था भाई आप फार्म भरो, मैंने कहा था मैं कांग्रेसी हूँ और कांग्रेसी ही रहूँगा, हुड्डा साहब का कार्यकर्ता हूँ। लेकिन उन्होंने मेरे को कहा भाई आप फार्म भरिए, उसके बाद दो दिन के बाद जो आप फैसला लेंगे ले लेंगे। लेकिन आज मेरे भाइयों ने जो मेरे को फैसला सुनाया, मैंने ले लिया इनका फैसला। और हुड्डा साहब के भी मेरे पास फोन आया था, मेरे नेता हैं, वो हमेशा बात करते रहते हैं, पहले भी उन्होंने भी मेरे को निर्देश दिया है कि फार्म को वापस करवाओ और जब सरकार बनेगी आपके और आपके पूरे जितने साथी हैं उनका मान सम्मान रखा जाएगा। तो आज मेरे साथियों की सलाह पे, हुड्डा साहब के निर्देश पे, मैं कल अपना नॉमिनेशन वापस लेऊंगा और कांग्रेस पार्टी को जिताने के लिए, हुड्डा साहब को मुख्यमंत्री बनाने के लिए जितनी मेरी और मेरे परिवार की इतनी ताकत होगी उतनी ताकत लगाएंगे। कांग्रेस प्रत्याशी राहुल मक्कड़ है यहाँ से, तो ये माना जाए कि अब सुमन शर्मा जो है साथ मिलकर या पार्टी के साथ लग के कैसे काम करेंगे? देखो, मैंने आपको बोला मैं कांग्रेस पार्टी में था और कांग्रेस पार्टी में हूँ और कांग्रेस में ही रहूंगा, लेकिन जो भी प्रत्याशी है उसकी दिल खोल के मदद करेंगे और उसको जिताने का काम करेंगे। उनको जिताने के बाद तो हरियाणा के मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा बनेंगे। बात करने के लिए सुमन शर्मा थे और नॉमिनेशन कल वापस ले लेंगे और कांग्रेस के जो प्रत्याशी उनके साथ मिलकर वो जिताने के लिए प्रयास करेंगे। लेकिन एक निवेदन है, आज जो व्यक्ति जो साथी आज आपकी मीटिंग में पहुंचे हैं वो ये सोच के पहुंचे हैं कि अब सुमन शर्मा जी के हाथ में कोई चीज नहीं रही, क्योंकि राज बन रहा है, कांग्रेस पार्टी का सबको दिख रहा है और टिकट भी बढ़ चुकी है। आज जो आदमी आया है वो आदमी, वो सच्चा आदमी है जिसको आपसे लगाव है, जिसको आपसे ये लालच नहीं है कि सुमन शर्मा एमएलए बनेगा, सुमन शर्मा मंत्री बनेगा, जिसने आपकी लिए त्याग किया है। मैं मन से आपसे ये निवेदन करता हूं कि जो फैसला ले हम आपके साथ हैं, लेकिन फैसला ऐसा लेना कि जो साथी आज यहां बैठे हैं किसी की मजदूरी ना मारी जाए, इससे ज्यादा मेरे पास कहने के लिए कोई शब्द नहीं है। मैं मेरी जितनी 10 साल की ताकत मैंने कांग्रेस के लिए लगाई, मेरे पूरे परिवार ने कांग्रेस की ताकत लगाई, मेरे हल्के ने लगाई, मैं आज पूरी इस ताकत को, मेरी ताकत को, आपके संघर्ष को, मेरे संघर्ष को चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के जन्मदिन के उनको समर्पित करता हूँ। मेरी सारी की सारी लड़ाई, मेरी सारी ताकत मैं उनको देता हूँ और भगवान से ये प्रार्थना करता हूँ कि 8 तारीख को वोटों की गिनती हो और 10 तारीख को वो हरियाणा के मुख्यमंत्री की शपथ ग्रहण करें विचार से। और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के निर्देश में हम कांग्रेस पार्टी को साथ थे, साथ हैं और साथ ही रहेंगे और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को मुख्यमंत्री जब तक नहीं बन जाएंगे जब तक ये लड़ाई जारी रखेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और कल जितने भी साथी हैं पूरी कांग्रेस पार्टी का प्रचार करेंगे, दिल से पार्टी के लिए वोट मांगेंगे, पार्टी के ही वोट दिए वोट दिलवाएंगे, क्योंकि अगर पार्टी को वोट दोगे तो हरियाणा के मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा बनेंगे और हुड्डा साहब मुख्यमंत्री बनेंगे तो आपको और आपके परिवार को पूरी ताकत मिलेगी, ये मुझे विश्वास है।